नहीं इसको के लिए घर बना तो करके दो तीन जगह सब जगह हुआ है सुबह से, वो कचड़ा ही नहीं बता पा रहे हैं कहाँ है। मैंने कहा पता कार्रवाई करेंगे क्या? दारू पी के खुद उनका कहना है वो कहाँ पर जमा पी वो गलत ड्रिंक हल्की करे तो कौन वो क्या है दारू पी भी नाम ले रहा है उनका और वो ले गए उनको डाल दिया कचरा जो डाला है वो अभी भी डाला ले गए। मैं माता जी की अस्थियाँ उठाने गया जब वहाँ पे तो देखा वहाँ पे अस्थियाँ नहीं, कर्मचारियाँ मुझे जब मिले तो दम्बे नगर पालिका का कर्मचारी है और यादव जी हैं जो रूट नंबर जो गाड़ी रहती है जो भी गाड़ी रूट की रहती है वहाँ पे उस गाड़ी का ड्राइवर का कहना ये है कि मैंने डंपे से ये कहा था कि से अस्थियाँ गर्म है इनको मत खाइए, तो वो थोड़ी सी ड्रिंक करे हुए थे, उसने कहा है कि नहीं नहीं वो गर्म है वो तो उठ गई उसको फेंक दो जो भी है और मनमानी तरीके से उनको अस्थियों को उठा लेके कचड़े में फेंकाए नगर पालिका के कर्मचारी। रात में लोगों ने चक्का जाम मैंने कोई नहीं किया। अच्छा। मैं यहाँ आके अपनी बात को रखना चाहता था। अच्छा। मैंने अपनी बात को रखने का को मैंने एसडीएम साहब को कलेक्टर साहब को बुलाना चाहता था लेकिन पुलिस प्रशासन ने मेरे साथ ये कहा कि मैं कर्मचारियों मैं उनको नहीं बुलाऊंगा, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी के और ब्रजेश शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करूंगा, जो भी उसमें तथ्य पाए जाएंगे उन सबके बाद FIR होंगी। क्या नाम है आपका? मेरा विष्णु शर्मा। माता जी का नाम क्या था? मुन्नी शर्मा हो गई थी। मुन्नी देवी शर्मा चतुर्विद ने उनका फ्यूनल हुआ था जगराम नगर में, तो वहाँ से नगर पालिका से संबंधित है या नहीं है ये अभी जांच करना है वो आदमी, तो उसकी जो राख रहती है जिसमें फूल वगैरह रहते हैं जो अपने हिंदू अस्थियाँ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तीसरे के दिन बीनने जाते हैं चुनने जाते हैं उनको फिर गंगा जी में कहीं विसर्जित करना, उसको इस सफाई के दौरान करना वो कर लाए उसको, तो उसमें जो भी अपराध बनेगा उसमें पंजीबद्ध करके वो कार्रवाई कराई। चक्का जाम कितनी देर तक रहा था? चक्का जाम तो वो रहा होगा क्योंकि मैं इस समय हट गया था जब आया था तो 2 मिनट चक्का जाम बोला उसमें कार्रवाई होगी उसके खिलाफ जिसने ये हरकत की है।